हेलो गाइस, वेलकम टू एपीएन इंटरनेट टीम। और आज हम आए हैं दोबारा आपको आईपीएल के बारे में, आईपीएल का एक और एपिसोड लाए हैं। तो मैं बिलाल और मैं जावेद। जावेद, जैसे हमने आईपीएल के बारे में पहले रिव्यू दिया था, और पहले हमने बिल्कुल ड्रीम इलेवन की आईपीएल टीम दी थी, जी। और देखा जाए तो हमारी टीम मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग टेन हाँ तो हमारे थे, जो प्रिडिक्शन किया था। तो आज हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा पहले आज के मैच की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल के मैच की बात करते हैं, जो हमने बैक टू बैक दो मैचेस देखे। चेन्नई में देखे हमने मैचेस, और चेन्नई में हमने जैसे पिच का हमने रुझान देखा, काफ़ी स्लो विकेट था, और जिसने पहले बैटिंग करी, और इवन हमने स्कोर भी देखा तो ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया था, 150 के लगभग 152 परसों बने, और कल हम बात करें तो 149 बने, और उसमें भी चेज नहीं कर पाई टीम, उसमें भी सनराइजर्स हैदराबाद 7 रनों से हार सो गई। द क्रेडिट गोज टू द कैप्टन्स ऑफ द जी टीम। बिल्कुल कैप्टन सबसे पहले विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा। जी लास्ट के दो मैच दोनों ही लो स्कोरिंग मैच रहे, जहां एक तरफ 221 रन बन सकते हैं आईपीएल में, वहीं दूसरी तरफ 149 रन भी बन सकते हैं, और चेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सामने वाली टीम अपने घुटने टेक भी सकती है। तो इट इज ऑल अबाउट द कैप्टेंसी की, हाउ द रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन दोनों ने अपनी जो बॉलर्स को इस्तेमाल किया। अगर कल के मैच खेलो, जो शहबाज नदी शहबाज अहमद का ओवर था, वो एक क्रूशियल ओवर था, काफी अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने। जी तो अब आईपीएल की यही खूबसूरती है कि एक तरफ जहां 221 रन बनते हैं, वहां 149 रन भी बनते हैं, और चेस करने में भी प्रॉब्लम होती जी है। जी जी तो लेट्स मूव टू द टुडेस मैच। आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है वो राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला है। और अगर हम इस नज़रिए से देखें तो दोनों ही जो कप्तान हैं टीम के, वो दोनों ही यंगस्टर्स हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और ऋषभ पंत का पिछले कुछ दिनों में कद काफ़ी बड़ा बढ़ है, गया है, और इंडिया के लिए खेलते हुए उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर्स किए हैं। वहीं संजू सैमसन, जिनको 11 में शामिल कई किया गया कई बार, लेकिन उनको चांस नहीं मिला खेलने का। तो आज के मैच से काफी उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल। और बात करें तो दोनों युवा कप्तान हैं, दोनों ही अपना पहला मैच खेल चुके हैं, लेकिन वहीं पर ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है, क्योंकि पहला मैच उन्होंने एज ए कैप्टन जीता था। और वहीं बात करें हम दूसरे संजू सैमसन की, जो पहला मैच हार गए बल्कि, लेकिन अगर देखें तो 221 चेज करना इजी नहीं होता है, फिर भी 219 बनाए, और कप्तानी पारी खेली उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा खेले थे वो, एंड तक मैच को ले गए थे वो, तो लास्ट बॉल पे मैच बिल्कुल जाके हारे, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका भी इतना नहीं होगा, लेकिन मैच हारे हैं तो इस बात से थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। नहीं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्टेप था जो संजू सैमसन ने जो किया, सारा बर्डन एज ए कैप्टन, एज एन आईपीएल, एज ए कैप्टन उन्होंने डेब्यूट किया था 2021 आईपीएल में। तो पहले ही मैच में इस तरीके की कप्तानी पारी खेलना, फिर उसके बाद सारा बर्डन अपने ऊपर सर ले लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संजू सैमसन आप देखें तो बहुत ज्यादा मतलब उनकी उम्र नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, यंग प्लेयर है। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस के अंदर ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, हम इसको ऐसे नेगेटिव नहीं ले सकते। तो चलिए, तो आज हम अब मैच के खत्म करते हैं, पिछले मैच की बात है, अब देखते हैं आईपीएल में, क्योंकि जैसे मैच बढ़ते जा रहे हैं ऐसी टीम कॉम्पिटिटिव होती जा रही है और अच्छा खेलती जा रही है। तो आज के मैच में हम बात करते हैं, आज मुंबई का ग्राउंड है जहाँ पर काफी रन बनते हैं, जैसे हमने देखा 221 भी मुंबई के ग्राउंड पे बने थे, और छोटा ग्राउंड माना जाता है इसे कि बैटिंग के लिए काफी अनुकूल होता है। तो आज दिल्ली कैपिटल्स और जो हमारी दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स, आप बताइए कि जो हमारी दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, कि हम जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, वो क्या रहेगा? देखिए पिछले मैच के दिल्ली कैपिटल्स में पिछले मैच की तरह उनका जो प्लेइंग इलेवन है मेरे ख्याल से वही रहेगा, क्योंकि शिखर धवन अच्छे फॉर्म में है, और पृथ्वी शॉ उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की और ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने। तो मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स में किसी भी चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है, और इनके लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि मतलब सूत्रों से पता चला है कि रबाडा की उपस्थिति इस मैच में हो सकती है। रबाडा कुड बी प्ले फॉर दिस मैच, और अंद्रे नोकिया नहीं है, बट जब वो आएंगे तो उनकी अवेलेबिलिटी, क्यों, वो शायद कोविड का कोई इशू था उनके साथ,
तो वो अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो नोकिया और फिर रवाडा की जोड़ी जी कमाल करने बिल्कुल वाली है। जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे फैंस को पूरी प्लेइंग 11 बता सकें, जो हमारे जो फैंस हैं ड्रीम 11 की, जो टीम जी चूज होती है उसमें अपनी टीम चूज कर पाएं, सो आप प्लीज हाँ, बताएं। तो जैसा पिछले मैच में हुआ था, शिखर धवन, पृथ्वी शाह शुड बी ओपन फॉर दिल्ली जी बिल्कुल कैपिटल, बिल्कुल ऋषभ पंत है, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस है, सिमरन हेटमायर है, रहाणे, रविचंद्रन अश्विन और क्रिस वोक्स, टॉम करन, आवेश जी खान और अमित मिश्रा, क्योंकि लास्ट टाइम आवेश खान ने बहुत अच्छी जी बहुत बॉलिंग की अच्छी थी बॉलिंग की थी। तो और उनको ड्रॉप करना है, जी अच्छी। बिल्कुल, और बात करें तो MS धोनी जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन माने जाते हैं, उन्हें 0 रन से आउट किया था, जी तो आवेश खान जो एक जी एक यंग प्लेयर है उनके लिए हाँ, काफी बड़ी बात है धोनी MS ने धोनी एक के लिए। बहुत बहुत टाइम जी बाद एक IPL जी में उनको खेलने का चांस मिला और था वो और भी पहले ही मैच जी में आवेश खान ने जी उनको बिल्कुल, और आउट कर काफी दिया। कॉन्फिडेंस आ चुका होगा आवेश खान पे। और वहीं बात करें हम यहाँ पर शिवन हेटमायर की, तो मुझे लगता है स्टीव स्मिथ से को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? सिमरन हेटमायर कुड बी अ बेटर ऑप्शन बिकॉज जो 20 ओवर्स का गेम है हाँ वो थोड़ा उसमें हाँ, और क्योंकि उनके पास वैसे प्लेयर्स हैं जैसे अजिंक्य रहाणे जी हैं या बिल्कुल फिर और एक दो प्लेयर्स जी और हैं बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जो मिडिल ऑर्डर को फिल कर जी सकते हैं, लेकिन सिमरन हेटमायर आपको एंड में एक स्ट्रॉन्ग जी स्ट्रॉन्ग जो है एंड देंगे आपको एज ए बैट्समैन, काफ़ी लंबी लंबी हिटें लगा जी सकते हैं, इनके बिल्कुल अंदर काबिलियत है वो सब करने जी, की। और काफी ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं अगर शिमरन हेटमायर की बात करें, क्योंकि ये ओपन पे आते हैं, अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो काफी ताबड़तोड़ खेल सकते हैं। और वहीं हम आपको राजस्थान रॉयल्स की बात बताएं, राजस्थान रॉयल्स के लिए एक और कहें तो बैड न्यूज है, हाँ जैसे हम जो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की बात करें, बेन स्टोक्स जो पिछली पिछले मैच में ओपन किया था, बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी करी थी, और अभी रिदम में भी चल रहे हैं काफ़ी अच्छी बैलिंग बॉटिंग। हालांकि पिछले मैच में जी वो पिछले जीरो मैच पे में आउट हो जीरो पे आउट गए थे। हो गए थे, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें वापस जाना पड़ा है अगर वो खेल नहीं पाएंगे ये मैच। तो ये मैच देखें तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं वो राजस्थान रॉयल्स के, तो अगर देखें तो उनके प्लेस कौन चूज़ करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें तो एंड्रयू टाई हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, बट जोफ्रा आर्चर की बात करें तो वो खाली बॉलर हैं, अगर हम एंड्रयू टाई की बात करें तो वो बैटिंग भी कर सकते हैं बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल क्या वो इतना इम्पैक्टफुल रहेंगे जितना बेन स्टोक्स रहते हैं बॉलिंग और बैटिंग में? अगर हम एंड्रयू टाई की बात करें तो बॉलिंग में तो मैंने देखा है उन्हें काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग में भी वो उतना इम्पैक्टफुल रहेंगे? हाँ, उतनी डेथ नहीं है उनकी बॉलिंग में, जी उतनी डेप्थ नहीं है, क्यों, बेन स्टोक वर्ल्ड के नंबर वन जी ऑलराउंडर्स में बिल्कुल से आते जी हैं। जोफ्रा आर्चर की बात की आपने, जोफ्रा आर्चर अभी अभी अवेलेबल नहीं नहीं है, है जी तो अब जो जो प्लेस है जो बेन स्टोक्स की जगह है उनको फिल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन एंड्रू टाई ही एंड्रयू रहेगा, टाई जॉस अगर इन केस अगर नहीं खेला जाना चाहिए, क्योंकि ओपन आप बटलर जॉस रहेंगे। बटलर से कराएंगे तो वो जगह आपकी फिल हो जाती है, वो जगह जी के लिए एंड्रू टाई को अगर आप लेना चाहें ले सकते, नहीं लेते हैं तो आप डेविड मिलर को लिविंगस्टोन लिविंगस्टन जी एक बहुत अच्छा बहुत ऑप्शन रह अच्छा ऑप्शन सकता है। है। और हमने देखा लियाम लिविंगस्टोन की बैटिंग, अगर अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और बिग बैश जो खेल के आए लियाम लिविंगस्टोन, काफ़ी ताबड़तोड़ खेली थी पारी, उन्होंने काफ़ी पारियां खेली थी, काफ़ी रन बनाए थे उसमें। छोटी सी झलक हमने भारत के खिलाफ भी उसकी देख जी ली थी, जी थोड़ा हमने दो उन्होंने कुछ मैचेस में छोटे 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 रन्स किए थे छोटे और अच्छे जी रन्स छोटे किए। छोटे कैमियो किए थे, लेकिन अच्छे रन बनाए थे उन्होंने। और वहीं बात करें हम दूसरी टीम की, राजस्थान रॉयल्स की बात करें, तो उसमें कौन कौन सी टीम उतर सकती है? अगर हमने बेन स्टोक्स की बात कर ली कि अभी बेन स्टोक्स नहीं आएंगे, तो हम बता दें आपको बेन स्टोक्स की जगह जैसे एंड्रयू टाई आ सकते हैं, लिविंगस्टोन आ सकते हैं, या फिर डेविड मिलर आ सकते हैं, और फिर उसके अलावा तो है ही संजू सैमसन जो ओपन करेंगे, या फिर उनके साथ कर सकते हैं जोस बटलर कर सकते हैं, फिर उसके बाद मनन वोरा काफ़ी अच्छा पहला मैच खेला था इस फ्रेंचाइज के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन पहले पंजाब के लिए खेलते थे काफ़ी अच्छा खेलते थे, तो अभी रिदम में ही है। और फिर देखें तो शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छे खेलते हैं वो, बॉलिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी करी थी और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करी थी पिछले मैच में। और हम एक यंग प्लेयर की बात करें तो रियान पराग, जैसा ये हम बात करते हैं रियान पराग 2-3 साल से फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, सेम फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, और हल्के हल्के जो मंच के आ रहे हैं, और इस IPL में हमने पहले मैच देखा काफ़ी ताबड़तोड़ खेला और मैच जिता नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी निराश हूँ कि मैच जिता नहीं पाया राजस्थान रॉयल्स के लिए। और वहीं बात करें राहुल तेवतिया, राहुल तेवतिया को कौन नहीं भूल पाएगा, जो हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल IPL 5 छक्के मारे थे उन्होंने एक मैच में, और पलट दिया था पूरा मैच और जिता के ले गए थे मैच को।
तो राहुल तेवतिया भी खेलेंगे और श्रेयस गोपाल जो है, श्रेयस गोपाल भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं हाँ, एक स्पिनर के रूप में जी, आपको एक एक स्पिनर एक के रूप ऑप्शन में। देता है। और एक बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान जो लेफ्ट आर्म काफी अच्छे बॉलर हैं, बांग्लादेश के आते हैं। और एक नए बॉलर आए हैं चेतन चेतन सकारिया। सकारिया, मैं इस बॉलर से जी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जी और बिल्कुल इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की अपने डेब्यूट मैच में। छोटा जी सा लड़का जी है, बिल्कुल आप 22-25 साल जी का, बिल्कुल, बहुत नए खिलाड़ी नए हैं खिलाड़ी हैं और अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो जी, राजस्थान के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो एक सकता अच्छा है आने वाले ऑप्शन मैचेस है में। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आप भी अपने ड्रीम 11 हमारे प्रेडिक्शन से चूज कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा अपना भी आपका एनालिसिस कर सकते हैं। हम आपको एक बार और दोनों की, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 बताते हैं जाने से पहले। प्लीज देख सकते हैं संजू सैमसन और जॉस बटलर ओपन करेंगे, उसके बाद रियान पराग हैं, शिवम दुबे हैं, राहुल तेवतिया है, क्रिस मॉरिस है, श्रेयस जी गोपाल है और मुस्तफिजुर रहमान है, चेतन सकारिया है। जी और दिल्ली की प्लेन 11 जी बताइए। कुछ इस प्रकार रहेगी: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोनिस, सिमरन हेटमायर, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, जी क्रिस वोक्स, टॉम करन, आवेश खान और अमित मिश्रा। जी तो देखते हैं आज का मैच कितना एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का पिछला भी मैच काफी एक्साइटिंग हुआ था, और बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का भी पिछला मैच काफी और एक्साइटिंग हुआ ये था। गेम मेरे मेरे हिसाब से ये गेम बहुत हाई स्कोरिंग होने जी वाला है। बिल्कुल, हाई स्कोर होने वाला है। और जैसे बात करें मुंबई की, तो मुंबई में हाई स्कोरिंग मैच ही होते हैं ज्यादातर। फिलहाल विदा लेते हैं आपसे इस टाइम, और देखते रहिए एपीएन इंटरनेट टीम, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइज। थैंक यू।